हमने आपको कुछ दिन पहले दो ऐसे प्रिंसिपल्स की कहानी सुनाई थी जिनको एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिमोट करके जो है वो फिर से टीचर लगाया था, और ये प्रिंसिपल बने थे फेक डिग्री पे। यानी कि इनके पास जो एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री थी वो फेक थी। और हमने आपको बताया था कि किश्तवाड़ से भी एक प्रिंसिपल है जिसके पास इसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और ये डिग्री जो है वो चंद महीनों में जो है वो की गई है। मैं बता दूं कि ये जो प्रिंसिपल है ये हाई सेकेंडरी स्कूल बोजवा में जो है वो पोस्टेड है, और इनका नाम है देशराज परिहार, और ये नेटिव है विलेज नाली बोजवा के। मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं जिनकी उम्र तकरीबन 56 साल के करीब है, इन्होंने जो है वो मगध यूनिवर्सिटी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो देशराज परिहार डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री हु पास द एग्जामिनेशन फॉर द डिग्री ऑफ मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस डिग्री जो है इन्होंने की है, जो एग्जाम हुआ है मंथ ऑफ अप्रैल 1992, और इनको जो है वो फर्स्ट क्लास में जो है इन्होंने केमिस्ट्री जो है वो पास की है, और इनको जो है वो डिग्री अवार्ड की गई है। 16 बोध गया यूनिवर्सिटी 16 मार्च 1993 में। आप देख सकते हो ये जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, जो डेट है इसमें, अब ये 1393 है या 1993 है, क्योंकि जिस तरह कैसे ये डॉक्यूमेंट है हम उसी तरह से आपको बता भी रहे हैं, और हम ये डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये जो है इसमें वाइस चांसलर के दस्तखत हैं, एसडी हैं, एससी मुल्क राज जी जो है वो वाइस चांसलर हैं, और इंग्लिश वर्शन ऑफ द है ये ऑलरेडी जनरेटेड इन हिंदी जो है, वाइस चांसलर पे सिग्नेचर है बोधगया यूनिवर्सिटी के जो है। जैसे कि मैं बता दूं कि ये मगध यूनिवर्सिटी है, जो बोधगया की जो है ये मगध यूनिवर्सिटी है जो बोधगया बिहार में है, और इस पर जो है वो अटेस्टेशन भी की हुई है इसको प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिनून ने, बिनून किश्तवाड़। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो सर्टिफिकेट आई है, जिस तरह से मैंने बताया कि जो एग्जाम है वो 1992 में जो है वो है, ये बाजाब्ता तौर पर जो है इनकी मार्क्स कार्ड भी जो है वो हमारे पास है, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया जी, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया में जो है वो हमारे जो देशराज जी हैं उन्होंने एक पेपर में 60 नंबर लिए, दूसरे में 60, 41, 88, 88, 87, 70, 75, और टोटल इनको 536 नंबर आए हैं। और जो ये लिख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्लास है वो 480 और अबो जो है उनको फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास 360 है, और ये जो मगध यूनिवर्सिटी ऑफिस से जो ये डिग्री की डेट है वो है 4 दिसंबर 1992, यानी कि ये अप्रैल 1992 में जो है वो एग्जाम हुआ है, और मार्क्स कार्ड जो है वो इशू हुई है, जो डेट इस पे आ रही है वो है 4 दिसंबर 1992। इसके बाद एक और मार्क्स कार्ड है इन्हीं का, ये जो है मुझे लग रहा है कि ये दो जो है वो आप देख लीजिए, ये जो पूरा क्योंकि 2 साल की होती है एमएससी केमिस्ट्री, और ये जो डिग्रीज है हमारे पास जो आई हैं जो बोधगया यूनिवर्सिटी है मगध से। मैं आपको बता दूं कि अब हम देखें कि जिस तरह से जो ये केमिस्ट्री की डिग्री दो प्रिंसिपल की जो है वो रिजेक्ट की गई, और उनको जो है वो वापस मास्टर भेजा गया, और उनको जो पैसे मिले हैं जो एरियर्स वगैरह मिला है शायद वो रिकवर प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर बोंजवा में ही जो है वो 2011-12 में एक FIR रजिस्टर्ड हुई थी जिन टीचरों को जो है वो फेक डिग्रीज थी। उसके बाद FIR भी हुई, उनसे क्या क्या लिया गया मैं नहीं बता पाऊंगा, वो खुद वो बयान करते थे, और बाद में उनकी नौकरियों को भी उनको जो है वो टर्मिनेट किया गया, यानी कि उनको FIR भी फेस करना पड़ा। लेकिन जो दो प्रिंसिपल है अभी उसके बारे में ये नहीं बताया गया कि उनको FIR जो है वो दी जा रही है कि नहीं जा रही है, और उनको टर्मिनेट ही क्यों नहीं सर्विस से किया गया। इसी तरह से जो यहाँ पर हमारे देशराज परिहार साहब का जो केस है, मैं बता दूं कि इनकी जो लीव थी जब ये स्टडी के लिए गए हैं, और ये है 39 डेज हाफ पे लीव विद इफेक्ट फ्रॉम 4/3/1992 टू 11/4/1992, यानी कि जब ये एग्जाम देने गए हैं जनाब अली
तब भी इन्होंने जो है वो 39 दिन की जो है वो दिखाया है इसमें सर्विस बुक में। आप एग्जाम देने गए हैं या नहीं गए हैं खुदा बेहतर जानता है, क्योंकि जब ये यूनिवर्सिटी ये कोर्स ही नहीं ऑफर करती है तो एग्जाम किसका होता है। तो 39 डेज का जो है वो हाफ पे ली है, यहां पर भी सरकारी पैसे को चूना लगा है। इसके बाद 90 डेज लीव नॉट ड्यू, 90 डेज लीव इन्होंने लिए नॉट ड्यू, जो कि इनको नहीं मिलनी थी, विद इफेक्ट फ्रॉम 12/4/1992 टू 10/7/1992, यानी कि अप्रैल से जुलाई तक जो है इन्होंने जो है वो लिए है। और ये सर्विस बुक में एंटर की गई है 8 अगस्त 1992, और एंटर करने वाले हैं जोनल एजुकेशन ऑफिसर ठाठरी ए अजीज शेख साहब। यानी कि जो ये लीव है, जो मैं बता दूं, जो 90 डेज लीव है नॉट ड्यू, जो इनको नहीं मिलनी चाहिए थी, जो इसके लिए एंटाइटल नहीं थे, वो ड्यू लीव जो है वो ZDO दे रहे हैं और उसको जो है वो एंटर भी कर रहे हैं, जबकि ZDO जो है वो इस तरह की लीव देने के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। इसके अलावा जो है वो एज पर पर्सनल सर्टिफिकेट इशूड बाय द मगध यूनिवर्सिटी, जो एंट्री की गई है इसकी जो डिग्री है यूनिवर्सिटी अंडर डिफरेंट डिफरेंट सिग्नेचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर्स ऑफ एग्जामिनेशन नंबर इतने इतने ऑब्टेन 19/6/1993 को जो मिली है। मिस्टर देसराज टीचर जो पास द एमएससी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन, यानी कि जो देसराज टीचर थे उसने जो है वो एमएससी केमिस्ट्री पास की, और इसको जो है वो जोनल एजुकेशन ऑफिसर बटियास बलेसा जो है वो इनकी सर्विस बुक में जो है वो एंटर करते हैं, और यही बेस बनती है इनकी प्रमोशन के लिए। जबकि इनके बाकी टीचर्स जो इनके साथ लगे हैं वो आज भी टीचर्स हैं, या कुछ अगर लोगों ने बेड किया है तो वो मास्टर ग्रेड है, और लेकिन देसराज जी जो है वो कई सालों से जो है वो प्रिंसिपल की पोस्ट को जो है वो आनंद ले रहे हैं। मैं बता दूं इसी तरह के फेक सर्टिफिकेट्स की रिपोर्ट जो है वो किश्तवाड़ के बाकी एरिया से भी हमें मिलती रही, और मैं बता दूं कि इंदरवाल जोन में भी जो है वो काफी फेक डिग्रियां थे। धर्मशाला में तो थी थी जिस पर पुलिस ने केस किया था, इंदरवाल में भी जो है वो फेक डिग्रियां थी, और वहां पर एक रिटायर्ड ZDO जो अगर किसी के जेब में उसको 10 रुपए भी मिलते वो भी लेता था। पैसे उन टीचरों से जमा किए गए, खुद ही फिर जम्मू में बैठकर स्टैंपे बनाई गई, उनकी सर्टिफिकेटों को जो है वो वेरीफाई किया गया, इंस्टेड ऑफ उस यूनिवर्सिटी और उस जेके बोस को भेज दी थी वो सर्टिफिकेट, कुछ लोग मिलकर खुद ही उन्होंने स्टैंप्स बनाई, जम्मू में बैठे खुद ही वहां से पोस्ट कराए, जहां की डिग्रियां थी वहां से पोस्ट कराई, स्टैंप वहां की लगवाई, क्योंकि जम्मू में जो है वो घुमट एरिया में जो है वो 100 रुपए की स्टैंप बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टैंप्स अच्छी अगर वो 200-300 रुपए की भी बनती है, और एक नेक्सस के तहत उन टीचरों से उस वक्त पैसा जमा किया गया और फिर स्टैंपें बनाई गई, पोस्ट किया गया, और यह जाहिर करने की कोशिश की गई कि यह जो है सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। अगर वो जेके बोस की सर्टिफिकेट थी बोस की ही स्टैंप बनाई गई, अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी की थी वैसी ही स्टैंप बनाई गई। मेरा कहने का यह मकसद है कि जो सर्टिफिकेट्स है उनको वेरीफाई करने की जरूरत है आज भी। और जैसे कि मैं बता दूं कि DDOs का भी जो है इसमें बड़ा स्कैंडल था, कुछ DDOs ने जो है वो इन टीचरों से जिन पे इल्जाम है कि उन पे के पास फेक सर्टिफिकेट है, उनसे 20% या 30% जो है वो सैलरी का लेकर जो है उनको अटेंडेंस से देते रहे, और उनके केसेस को जो है वो लिंगर ऑन करते गए और उनको प्रोटेक्ट करते गए। और आज भी मैं ये वसूख से कहूंगा कि इंदरवाल जोन में भी ऐसे टीचर हैं जिनके पास फेक डिग्री है, और मेरे पास ये भी खबर आ रही है कि 4 से 5 लोग ऐसे किश्तवाड़ में हैं जो इस वक्त सीनियर लेक्चरर्स हैं या प्रिंसिपल बनने की दौड़ में हैं, उनके पास जो है वो देसराज परिहार जैसी ही जो है वो डिग्रियां हैं, और हम चाहेंगे कि इस पे गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली ले, और जिन जिन के पास भी इस तरह की डिग्रीज है उनकी एक तो टर्मिनेशन की जाए, उन पर केस रजिस्टर किया जाए, और उन्होंने जो सैलरियां ली है वो रिकवर किया जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।